टॉपिक है क्रॉस सेक्शनल सक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल सर्च डिजाइन अब बेसिकली हम इसमें देखें चीजों uh, को हम अंडरस्टैंड करते हुए रिसर्च को लेकर चलते हैं कि हमने क्रॉस सेक्शनल करनी है Uh, कम टाइम में करनी है और वाइड रेंज पे करनी है तो हम क्रॉस सेक्शनल इस्तेमाल कर लेते हैं सक्सेसिव रिसर्च डिजाइन इस्तेमाल होते हैं लॉगिटेनल रिसर्च डिजाइन इस्तेमाल होते हैं ठीक है ये तीनों टाइप्स होती हैं जो uh, हमें बताती हैं कि हमारा रिसर्च प्रपोजल जो है रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो कितनी देर चलेगा हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्रॉस सेक्शनल स्टडी रिसर्च की वो टाइप है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल से एट अ टाइम मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एज डिफरेंसेस की स्टडी करना चाह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यूज की स्टडी करना चाह रहे हैं कुछ भी जो सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड हो स्पेसिफाई uh, नहीं मैं uh, ये नहीं कहूंगी कि ये स्पेसिफिक है कि सोशल साइकोलॉजी से ही uh, मुतल है लेकिन uh, ये ऐसा है कि जब हम एट अ टाइम किसी चीज के अफेक्ट ऑन डिफरेंट एजेस और डिफरेंट कंडीशन देखना चाह रहे होते हैं तो हम क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं तो uh, जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल उस टाइम में कैसा महसूस कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड का दौर था कोविड नाइनटीन का तो हमारे पास जो बच्चों के ओपिनियन आए उस डिजीज़ के बारे में वो डिफरेंट थे और जो एडल्ट के ओपिनियन थे वो डिफरेंट थे और जो ओल्डर एज के लोग थे उनके ओपिनियंस डिफरेंट थे तो इस तरह जो हमने स्टडी कंडक्ट की वो हमारी क्रॉस सेक्शन स्टडी हुई एट अ टाइम डिफरेंट 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 इंडिविजुअल कंडीशंस एंड एंड डिमांड्स नीड्स को कंबाइन करके जो हम स्टडी बनाते हैं उसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं ये जरूरी क्यों है ये जरूरी इसलिए है ता, ताकि हम मौजूदा प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी फिनोमिना एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसपे हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसके आल एस्पेक्ट्स को आल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सके और उसकी फुल पिक्चर हमारे पास मौजूद हो इसमें हम स्टडी इस्तेमाल करते हैं स्टडीज भी इस्तेमाल होती है क्रॉस सेक्शन स्टडी यूज होती है एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव दोनों परपजेज के लिए अम्म एनालिटिकल आंसर करने की कोशिश करती है की जो सर्टन सिचुएशन है वो क्यों है कैसे है कब हुई कहाँ हुई और डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो समराइज करती है कि ऐसे रिजल्ट्स आए ये डिस्क्राइब कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम करते हैं हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते क्यों है क्योंकि ये हमारे पास टाइम कंज्यूम जो करती है वो एज कम्पेयर टू लॉन्ट्यूडनल स्टडी वो कम होता है इसमें ठीक है हमें एक ही टाइम पर पता चल रहा होता है की क्या रिस्पांस पॉसिबल रिस्पांस हो सकते हैं Uh, किसी भी एक फिनोमिना को लेकर एज कम्पेयर टू के हम पूरा जो लाइफ साइकिल उनका स्टडी करें और उनकी एज के हिसाब से अपनी रिसर्च को लंबा खींचते से चले ठीक है आ, और ये हमें बताती है कि प्रोवाइड करती है पॉपुलेशन के फुल ओपिनियन के बारे में हमें बता देती है और हम इसमें कोरिलेशन फाइंड कर लेते हैं फर्दर स्टडी के लिए ये हमें गाइड कर देती है कि फर्दर नेक्स्ट हमारे पास क्या रिसर्च होनी चाहिए फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि वेल well बीइंग जो सेल्फ एस्टीम है वो अगर अच्छी होगी तो हमारे पास कैंसर के पेशेंट्स जो हैं उनका एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान जो बनाया हुआ है उनमें रिकवरी के चांसेस हाई होंगे जिनकी सेल्फ स्टीम आई होगी एज कम्पेयर टू दोस्त की जिनकी सेल्फ स्टीम पे काम नहीं हुआ और उनको कैंसर डिजीज है तो वो ज्यादा होपलेस फील करेंगे तो अगर ऐसी कोरिलेशनल स्टडी हम कर लेते हैं तो फिर वो हमें फर्दर डायरेक्शन देती है कि सेल्फ स्टीम वेरिएबल का फैक्टर तो इम्पेक्ट करता है फर्दर भी चीज़ें इम्पेक्ट कर रही होती हैं फैसिलिटीज जो मेडिसिन के हवाले से होती हैं वो भी इम्पेक्ट कर रही होती हैं तो हमें ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि अच्छा अगर कोई हमारे पास ऐसे अपने बड़ों को अगर सफर होते देखते हैं या फिर छोटे बच्चे अगर सफर हो रहे हैं तो उनका बड़ों का ओपिनियन क्या है तो इस तरह हम अपना क्रॉस सेक्शनल डाटा जो है उसको एनालिसिस करके अपना रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने की आ, कम टाइम में कोशिश करते हैं इसके एडवांटेजेस है कि डाटा कलेक्ट हो जाता है सिंगल पॉइंट पे एक ही टाइम में सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है और उसको आ, हम जो है थोड़े से टाइम में ही हर आस्पेक्ट को देखते हुए हर तरीके का आंसर हमारे पास मौजूद होता है और हम एक लार्ज पूल बना लेते हैं जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है उससे और हम उसको कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट ग्रुप के साथ ठीक है और फिर हम ये देखते हैं कि हम जो है वो नेशन वाइज सर्वे होते हैं उसमें हमारे पास प्रोवाइड की जाती है कंडीशन या फिर हमें मंथली मन्त, बजट के बारे में इंक्वायरीज होती हैं कि अगर फैमिली मेंबर्स इतने हैं तो इतना बजट उनका है पर मंथ का पर ईयर का तो ये शॉर्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखना चाहें कि पर मंथ का कितना बजट है और किस एज के लोग इस घर में रह रहे हैं और फर्दर हमारी पूरी कंट्री में एवरेज क्या है जो पर uh, मंथ और पर ईयर दोनों पॉसिबिलिटीज है ना कि हम पर ईयर का भी एस्टिमेट कर सकते हैं और प्रीवियस ट्वेंटी इयर्स के बारे में भी एस्टिमेट कर सकते होते हैं इसे और हम अपकमिंग ट्वेंटी ईयर्स के बारे में भी इसे एस्टिमेट ले लेते हैं डिस इसका ये है कि इसमें हम काज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप को क्रॉस सेक्शन स्टडी में नहीं देख सकते अगर हम देखेंगे भी तो अगर हमें पता चल भी जाए तो उसकी एक्यूरेसी का डाउटफुल एक कंडीशन रह जाती है जब हम वन टाइम में मैयर कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट हमारी जनरेशन जो आए उसमें वेरिएशंस आए और वो टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो चुकी हो कि उनके रिस्पांस डिफरेंट हो तो ये हम स्पेसिफाई कर लेते हैं अपनी स्टडी को कि इस इरा में ये स्टडी कंडक्ट हुई और तब के लोग ये सोचते थे ठीक है ये स्पेसिफिकेशन हो जाती है हम जब परिडक्ट कर रहे होते हैं तो हम साथ में उसको फर्दर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि uh, हम फर्दर अगर यही हालात रहे तो स्पेसिफिकेशन देकर फिर हम कहते हैं कि ये वाली चेंजेस होंगी और ये हमें बिल्कुल एक लंबे अरसे तक के पीरियड के बारे में नहीं बताती क्रॉस सेक्शन स्टडी ये हमें स्पेसिफाई कर देती है और उसके बाद हमारे पास जो बिहेवियर होते हैं वो होते हम होल ग्रुप का, uh, का uh, जो है वो होल uh, ग्रुप का रिस्पांस जो है वो हमें पूरा uh, जो पता चलता है वो डिफरेंट आस्पेक्ट से उसी टाइम में पता चलता है लेकिन अगर कोई ओपिनियन हम देखना चाहें कि डिप्रेशन के बारे में आने वाले लोगों का क्या ओपिनियन है तो हमें नहीं पता चलेगा या फिर अगर कोई बचपन से ही स्ट्रेस और दूसरी चीजों को फील कर रहा है छोटी तो क्लास में अपनी एजुकेशन के हिसाब से उसको समझ नहीं आ रही स्कूल की तो हम उसको अगर लॉन्ग टाइम के लिए स्टडी करेंगे तो हो सकता है उसकी सेल्फ ग्रोथ हो जाए उसको डिफरेंट कंफाउंडिंग वेरिएबल्स इम्पेक्ट करें और उसका हाई ग्रेड आना शुरू हो जाए एज कम्पेयर टू अगर हम क्रॉस सेक्शन स्टडी करेंगे उन बच्चों के साथ जिनकी लर्निंग एबिलिटीज लो होती हैं बाकी बच्चों से तो फिर uh, जो हम डाटा कलेक्ट करने के लिए सैंपल चूज करेंगे वो ऐसा ही होगा ना जिनकी परफॉर्मेंस लो होगी चाहे वो थ्री um, क्लास का स्टूडेंट है चाहे फोर क्लास का चाहे फाइव क्लास का इस तरह अगर हमने वन टू टेन तक स्टूडेंट्स uh, की डायरेक्शन uh, देखनी हो Uh, तो हम इसी तरह करेंगे ना कि अपनी क्लास को वन से लेकर टेंथ तक हम उनका सैंपल चूज करेंगे क्रॉस सेक्शन स्टडी में इस तरह हमारी स्टडी विद इन मंथ कंडक्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू के हम वन क्लास को लें उनका उस साल एनालिसिस करें उनके असेसमेंट करें और उसके बाद हम दूसरी जब वो दूसरी क्लास में हो जाए तो फिर हम उनके साथ रिसर्च कंडक्ट करें इसी तरह उन्हीं एक पॉपुलेशन को लेकर या सैंपल को लेकर हम जो है वो दसवीं तक उनके साथ अपनी रिसर्च को लेकर जाए दस सालों में कंडक्ट करें सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल डिजाइन होता है नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस सेक्शन के बाद ये ऐसा डिजाइन होता है इसमें हम ऑब्जर्वेशन को मल्टीपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू देखते हैं और पॉपुलेशन को मल्टीपल टाइम पीरियड्स के हिसाब से देखते हैं ठीक है पीछे क्या था हमने एट अ टाइम डाटा कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट सैंपल्स को एक जगह पर इकट्ठा किया था और फिर हमने अपनी स्टडी के स्टेप्स को पूरा कर लिया था लेकिन सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल डिजाइन में हमने ये किया है कि हमने मल्टीपल रैंडम सैंपल्स चूज किए हैं मल्टीपल टाइम पॉइंट पे ठीक है और हमने इसमें मल्टीपल रैंडम सैंपलिंग करते हुए लाजमी ख्याल रखते हैं कि हमारा जो साइज uh, है वो 10 हो हमारी पॉपुलेशन के एवरेज uh, से कम से कम टेन परसेंट जो होता है वो एप्लीकेबल होता है वो हमारा पॉपुलेशन uh, का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है लेकिन अगर हम टेन परसेंट से कम लेंगे या फिर uh, कोशिश करेंगे uh, कि कम मिले या फिर हम ऐसी स्टडी कंडक्ट करेंगे जिसमें टू परसेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया है पॉपुलेशन से या फाइव परसेंट वो एक्यूरेट नहीं होगी वो एप्लीकेबल नहीं होगी हम उस उसपे स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी हमें कि ये एक ऐसा सैंपल है जो हमारी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लेकिन इसमें ये स्पेसिफिकेशन है कि ये कुछ बता रहा है डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है फिर वो हमें डायरेक्शन दे सकता है जो स्मॉल सैंपल साइज होता है वो हमें पूरी एक प्रिडिक्शन नहीं दे सकता तो सक्सेसिव इंडिपेंडेंट डिजाइन जो है वो करता है डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके दरमियान फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पेशल एजुकेशन स्कूल में चले जाए वहाँ पर देखें तो हम अगर साइकोलॉजिकल असेसमेंट uh, की तरफ जाते हैं तो वो वाले बच्चे जो फर्स्ट क्लास से ही स्पेशल एजुकेशन स्कूल में एडमिशन शुदा है और वो उन साइकोलॉजिकल प्रोसीजर से हर साल गुजरते हैं वो साल के बाद उनके चेंजेस एंड प्री एंड पोस्ट टेस्ट के हवाले से वो बार बार वो टेस्ट करके वो उनको याद हो गई होती है उनके वो इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती तो फिर ये वाला जो डिफरेंस इम्पेक्ट होता है ना इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट का उसको हम जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करते हैं सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल डिजाइन के थ्रू uh, तो फिर हम ये करते हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या वेरिएशंस हैं क्या डिफरेंसेस हैं उनको भी सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल में देखा जाता है और हम देखते हैं कि अगर हमने पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रेंडमली किए तो फिर वो लेस uh, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सक्सेस प्रोवाइड uh, ही नहीं करते uh, हमारे डाटा को हमारे आंसर को इतना एक्यूरेट नहीं बनाते मैंने आपको पहले भी बता दिया कि टेन परसेंट लाजमी होना चाहिए तो सैंपल प्रोपोर्शन इज नियरली नॉर्मल

एक पी लिखा होता है उसके सामने जो वैल्यू लिखी होती है वो प्रपोर्शन होती है ठीक है अगर आप, आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई रिसर्च का किसी भी रिसर्च का आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो फिर आप उसमें स्मॉल एन लिखा देखेंगे वो हमारे सैम्पल साइज को बता रहा होता है अगर आपने पी लिखा देखा है तो वो हमारे प्रपोर्शन को बता रहा होता है और अगर आपने कैपिटल एन देखा है तो उसका मतलब है वो स्टडी सैंपल साइज पर नहीं हुई वो पॉपुलेशन पर हुई है ठीक है आपने इस बात को याद रखना है तो सैंपलिंग सैम्पलिंग की एक और वीडियो यहाँ पर मौजूद है इसी प्ले में अगर आप इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप देखें वो दूसरी वीडियो भी वॉच कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी इस हवाले से क्रॉस सेक्शनल स्टडी में सैंपलिंग का क्या रोल है और लॉन्गिट्यूबिनल में क्या रोल है तो सैंपल रैंडम सैंपलिंग का जो है वो प्रोसीजर यहाँ पढ़ाने का मकसद ही ये है कि हमें एक्यूरेट तरीके से सैंपल लेना आ जाए और हम जो है वो उस चीज को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर कि किस तरह का जो सैंपल होना चाहिए कितना परसेंट होना चाहिए कौन कौन से वेरिएबल्स हमने देखने हैं और क्या क्या डिमांड्स हैं सैंपल की वो भी देखनी है इसमें आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि सैंपल बेसिकली होता क्या है सैंपल होता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो हमने एक ऐसी उनके लिए गाइड बुक बनाई है जो उनके सिलेबस को फुलफिल करती है और वो उनको बेहतर तौर पर गाइड करती है कि आपने अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बुक लिखेंगे ना वो एक बुक हमारा सैंपल होगी जब वो मार्केट में या फिर हम उन एरियाज में देंगे जो टीचर्स हैं उनको देंगे तो वो उनसे हम फीडबैक लेंगे वो हमने क्या सबमिट करवाया सैम्पल तो वो सैम्पल जो होता है वो एक प्रोडक्ट होती है जो हम आ, देते हैं और फिर वो पैकेज प्रोवाइड करते हैं कि ये कॉस्टली नहीं है एज कम्पेयर टू अदर शॉपकीपर्स और अदर गाइड बुक्स ये कॉस्टली नहीं है इसमें एकट डाटा है स्पेसिफिकेशन है तो ये सारा चीज जो मोस्टली रैंडमली हमारे पास फाइव ईयर्स के जो आ, हैं वो पेपर आ गए हैं पास्ट पेपर्स तो वो भी एक इस तरह का था कि पूछे हुए क्वेश्चन मतलब बोर्ड के जो है वो ऑलमोस्ट हर साल जो क्वेश्चन आते थे वो उनसे गाइड बुक तैयार की गई ठीक है वो हमने सर्च किया वो सैम्पल लिया कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड की तरफ से पेपर में आ रहे हैं ठीक है हमने उसकी प्लानिंग की उसपे काम किया उसके ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए फिर उसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा उसकी टेक्निक्स देखी फॉर um, एग्जाम्पल uh, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी कि, कि हमारे पास के एक बुक है वो सिलेबस uh, उसमें जो दिया गया है बच्चे की परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करती है तो हम सिलेबस को किस तरह पढ़ाएंगे वो हमारी प्लानिंग है वो प्रोजेक्ट किस तरह लेके चलना है उसका मकसद क्या है बच्चों को कितना याद करवाना है उसके रिस्पॉन्सेज कैसे आए हैं Uh, और कौन कौन सी चीजें कौन कौन सा मटेरियल हमने पढ़ाया है किन किन बच्चों को पढ़ाया है और क्या टेक्निक उन्हें बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की है ये सारी चीजें जब हम देखेंगे तो वो हमारी सैम्पलिंग होगी ठीक है uh, ज्यादातर बेसिकली रैंडम सैंपलिंग को ही तरजीह दी जाती है क्योंकि वो एक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन होता है ठीक है Uh, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें कि uh, अगर हम कॉगनेटिव एरर की बात करें साइकोलॉजी uh, में तो हम एक स्पेसिफिक ग्रुप जो मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ सफर कर रहा था uh, उस पर हमने अपनी सी बी टी की टेक्निक्स अप्लाई की उसके कागनेटिव थॉट रिकॉर्ड का ही सिर्फ प्रोसीजर रखा और उनमें बेहतरी लाने की कोशिश की उनका प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट किया तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो की तो हमने उस सैंपल साइज जो मेंटल इलनेस लोग थे वो सारे लोग तो नहीं थे ना हमने उनका एस्टिमेट लिया कि इतने देर इनके साथ ये काम करने से ऐसे रिजल्ट्स आए ये पॉजिटिव वे में चेंज हो गया या नेगेटिव इम्पेक्ट आ गया दोनों चीजें जब हमने देखी तो वो हमारी सैम्पलिंग थी हमने उसको कहा कि फर्दर हम इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि अगर डिफरेंट कंडीशन और मतलब अगर डिप्रेशन पर पहले काम हुआ है तो फिर हम नेक्स्ट ऑफ इंडिया पर काम करेंगे स्क्रिजोफ्रेनिया पे काम करके भी अगर हम वैसे रिस्पॉन्सिबल थे तो इस तरह हम ओवर जर्नलाइज भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अगर टू सेवेंटी थ्री भी डिसऑर्डर्स हैं तो उनमें से अगर हम टेन परसेंट डिसऑर्डर्स पर काम कर लेते हैं तो वो हमारी एक कुरेसी आ जाती है कि कॉग्नेटिव थॉट रिकॉर्ड कितना इम्पेक्ट करता है ट्रीटमेंट के दौरान तो वो जो सफर कर रहे थे बीमारी से जहनी सेहत से सफर कर रहे थे उन पे जो आ, हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंडक्ट की जो इंटरवेंशन उन्हें दी तो वो हमारा सैंपल था और उसको सैंपल को हमने बाद में पॉपुलेशन पे ओवर जनरलाइज कर लिया टेक्निक्स uh, जो है वो डिटेल में दूसरी वीडियो में मौजूद है और यहाँ पर हम स्टार्टिफाइड सैंपलिंग के बारे में पढ़ेंगे कोटा सैंपलिंग के बारे में एक्सीडेंटल सैंपलिंग के बारे में ऑल ऑफ द शडन जो हमारे पास एज अ दैंपल आ जाता है वो सैंपलिंग होता है कोटा सैंपलिंग वो होता है कि हम स्पेशलाइज कि इस इस कंडीशन के साथ जो लोग हैं वो इस सैंपल में शामिल होंगे स्टार्टिफाइड में होता है कि हमने हर एक रो में से तीसरा बंदा लेना हर एक रो में से तीसरा बंदा लेना तो ये रिसर्च होती है और हम देखा था कि जब हम पेपर दे रहे थे तो हमारे पेपर्स पे फर्स्ट रोल नंबर का वन स्टार का पेपर था सेकंड नंबर पर टू स्टार का पेपर था और थर्ड नंबर पर थ्री स्टार का पेपर था और फोर्थ बंदे के पास फिर से वन स्टार का पेपर था तो ये स्टार्टिफाइड सैंपलिंग थी सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल डिजाइन जो है वो हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं पॉपुलेशन पर और कब ये एक्यूरेट होता है कब इफेक्टिव होता है ये जाना जरूरी है हमने जिस पॉपुलेशन से सैंपल लिया है उसी पर अगर हम उसको इंप्लिकेट करेंगे तो ये हमारे लिए एकोरेट होगा कि हम सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन में ये होता है हमारे पास um, कि हम इस प्रोसीजर को लेकर चलते हैं रिसर्च के स्टेप बाय स्टेप ले चलते हैं और ये सालों साल चलती है बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और सेम वही मेथड्स से इस्तेमाल होते हैं कि हमने उनका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है नहीं करना है वो हमारे टॉपिक पे उस फेनोमिला पे बेस करता है लेकिन इसमें काफ़ी महीने साल और हफ्ते लग जाते हैं इन चीज़ों को करने में फॉर एग्जाम्पल के जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दी केजी के जी के वजह से हमने शुरू किया और ये जो स्टडी है वो अस्सी साल से ऊपर तक चलती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इसकी लिमिटेशन नहीं है बस आपने जब तक सैंपल जो सैंपल लिया है अपनी स्टडी के लिए जब तक वो मौजूद है आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी उसके बिहेवियल चेंजेस में या फिर उनके प्रोफेशनल चेंजेस में जो भी आप चीज स्टडी कर रहे हैं तो जब तक हमारे पास सैंपल मौजूद है तब तक ये स्टडी कंटिन्यू रहती है और इसमें हमारे पास ये होता है कि हमने अपना डाटा चूज करना होता है डिटरमाइन करना होता है हमने और जो सैंपल लिया है उसके हिसाब से चीजें डेवलप करनी होती हैं और वो कैसा परफॉर्म करेंगे वो भी और उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे उनको गाइडलाइन क्या मिलेगी उस सैंपल को और वो कैसे तौर तो पर, पर रिस्पॉन्स कर सकेंगे रियल टाइम डाटा होता है सारा एडवांटेजेस ये है कि जो हमारे पास रियल टाइम डाटा में चीजें आती है वो एक्ूरेटली हम क्लेम कर सकते हैं कि ये काज और ये अफेक्ट हुआ है इस चीज पे इसमें रिलेशनशिप बनता है हम उसको क्लेम कर सकते हैं लेकिन अगर हम क्रॉस सेक्शनल में चले जाएं तो फिर हम उसको एक्यूरेटली हंड्रेड परसेंट क्लेम नहीं कर सकते कि ये ऐसा ही हुआ है इसमें यही चेंजेस आनी चाहिए थी लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम अपने सैंपल के बारे में हंड्रेड श्योर sure होते हैं और हम कह रहे होते हैं कि इसमें ये चेंजेस वजह से आई हैं और इसमें हमारे पास रिकॉल बाइसिस पे जो रिस्क होता है वो जो है वो ओवरकम हो जाता है और हम पास्ट को जान रहे होते हैं कि हमें पता होता है कि क्या पास गुजरा है इस सैंपल्स का और इसमें क्या पहले रिजल्ट्स आए थे इनमें क्या क्या चेंजेस आई हैं वो हमें रिकॉल करने में आसानी होती है हम ये नहीं करते कि डिफरेंट पॉपुलेशन को लिया है और उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे उनके लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट थे उनके ओपिनियन डिफरेंट थे तो क्रॉस सेक्शन में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हर एक बंदे की लाइफ का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है तो वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है तो वो जो है वो एक रिसी उतनी नहीं बनती लेकिन यहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं कि ए, इस एज में ऐसा रिस्पॉन्स था ये ट्रीटमेंट अप्लाई हुआ फिर ये चेंजेस आई ये इन्वायरमेंटल चेंज आया तो ये हुआ तो जो हमारे पास, पास पास्ट इवेंट्स होते हैं उनका भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होता है लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है स्टडी टाइप और ये बहुत अफेक्टिव रिसोर्स भी साबित होता है लेकिन इनके ज़्यादातर लंबी ज़्यादा होती हैं और कोई भी स्टडी को जो इतना ज़्यादा डिस्कवर करने में इन डेवलप करने में टाइम ले तो नहीं समझा जाता कि हम इसको कंडक्ट करें थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम